एंजॉय एंजॉय। ये रहा सामने, यहाँ पे कुछ लोग रेडी हो रहे हैं नहाने के लिए। और ये रहा होंडा का बाइक है यार, स्कूटी। पीछे से घूम रहा हूँ मैं, इसके अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है बोल रहा है शॉर्ट्स नीचे वाला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मेरा सेकंड डे है यहाँ पे और मैं अभी लॉन्ग प्रबांग लाओ में हूँ। और वैंग विंग के बाद ये तीसरा सिटी है मेरा, ये लाओ में। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरे फ्रेंड के साथ। हाय एवरीवन, हाउ आर यू। ये वाइट वाला मैक्स का बाइक है और ये ब्लैक मेरा। ये दोनों से जाने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ से जो भी लोकल देखने लायक जगह है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ एक झरना है, वाटरफॉल, उसको देखने वाले हैं। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हुए निकलते हैं यहाँ से गाइस। अपना अपना बाइक उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो चलते हैं। यहाँ का कुछ व्यूज़ ऐसा है गाइस। बगल में टेंपल है, मैं बाद में दिखाऊंगा। ये मेरे हॉस्टल के नियर बाई ही है। ये जो एरिया है आपको बाद में एक्सप्लोर करके बताऊँगा कैसा है कैसा नहीं है। जो ये रहा पेट्रोल पम्प, ये लॉ का पेट्रोल पम्प है गाइस मैक्स। और मैं यहाँ पे 50,000 का गैस डाला हूँ। जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं वाटरफॉल के लिए। तो चलते हैं गाइस, देखते हैं। लॉ का बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर ये टाउन का ये वाटरफॉल है और टूरिस्टिक भी है। बहुत सारा टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here, I can't be too sure, but one day I'll be yours. Finally यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे बाइक पार्किंग है। ये तो 2000 का ये टिकट है। मे भी अभी वाटरफॉल का भी टिकट लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना टिकट वहाँ पे लगता है, क्या लगता है। दिस इज बेस्ड इन लाओ सपोज टू बी ओके। ये पूरा व्यूज़ यहाँ का ऐसा है गाइस। ये सामने वाटरफॉल का ही पेंटिंग है गाइस, जो ऐसा दिख रहा है। देखते हैं अभी टिकट लेके। हाय, यू कैम नाउ? Oh wow, nice. Yeah, actually I have already like visited there. Visited there? Yeah, already. How was there? Came back. Yeah, very nice. Very nice? Yes. Okay. Very nice. Very nice. I am going also there. Okay. Enjoy, enjoy. यहाँ से टिकट ले रहा हूँ गाइस। अभी ये कार से जाना पड़ेगा। बैठते हैं यहाँ पे। इंक्लूडिंग दिस टिकट। ये टिकट के साथ ही है। ये रहा टिकट ऐसा है। चलो यहाँ से तो निकल गए हम लोग। कुछ ऐसा स्टैंड है, यहाँ बहुत सारे बस लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और सारे लोग यहाँ से उतर गए हैं। ये खाली हो गया है गाइस पूरा। और हम लोग यहाँ पे इधर से चलेंगे वाटरफॉल की तरफ। अभी एक भालू यहाँ पे दिखे, ये वहाँ पे दो दो भालू है गाइस। भालू का पूरा पोस्टर लगाया हुआ है यहाँ पे। तो आराम से बैठ के चिल कर रहा है। और रहा सामने 1 2 3 भालू है यहाँ पे। चिलिंग या शो। हम लोग तो ये भालू को देख चुके हैं। मुझे पता नहीं था कि यहाँ भालू भी है। दोनों फाइट कर रहा है गाइस। ये भालू का खोपड़ी है गाइस। स्मॉल बियर, पार्लर बियर, लगभग दोनों सेम ही है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ गई और झरना के नज़दीक आ गए हैं। बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है यहाँ पे गाइस। लोग नहा रहे हैं। बहुत सारा फॉरनर गाइस है यहाँ पे। झरना है यार। मेरा सामने यहाँ पे कुछ लोग रेडी हो रहे हैं नहाने के लिए। ये झरना है जो छोटा वाला है, अभी हम लोग बड़े वाले झरने के पास जा रहे हैं। अभी ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग। वाओ, ये स्मॉल वन है। वाह, यहाँ पर कुछ लड़कियाँ नहा रही है, धीरे धीरे जा रही है। डर भी लगता होगा यार। वाटर इज मे बी कोल्ड, या वी कोल्ड, वेरी कोल्ड। क्योंकि ये पानी जो पहाड़ों से आ रहा है, इसलिए ये पानी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ। गाइस, नहाकर ही देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। यहाँ पे कुछ लोग लगता है नहा के आ रहे हैं। क्या व्यू है यार, एकदम सॉलिड व्यू है गाइस। आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ कैसा है दिखने में। अभी मैं ऊपर चल रहा हूँ पता करने के लिए कि यही है कि और आगे भी है। मैक्स आगे चला गया, वो रहा सामने। ग्रेट मैन, लुक सो गुड। वाओ यार, क्या लग रहा है, एकदम ऊपर से आ रहा है पूरा। लाओ का सबसे बड़ा झरना है ये गाइस। आगे वहाँ पे जाने पे ना एकदम पानी है जो तो उड़ के आ रहा है, और फुहारा जैसा लग रहा है, एकदम अच्छा लगता होगा। अभी जाएंगे, थोड़ा देखते हैं कैसा लगता है। जो वाह, पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है, सब रुक कर पानी आ रहा है गाइस। ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता हूँ, नहीं तो मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। फिर चलते हैं वापस। पूरा पानी फेस पे आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली गाइस, हम लोग ऊपर से आ चुके हैं और इसमें नहाने वाले हैं, यानी ये झरने के नीचे कूद कर नहाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सॉलिड, अभी पता नहीं कैसा लगने वाला है। तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स लोग भी हैं जो नहा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं कुछ लोग। पानी लगता है बहुत ठंडा, जो भी जा रहा है ना वो चिल्ला रहा है थोड़ा। तो मैं थोड़ा देर में बस अंदर जाने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं नहा कर जस्ट निकले हैं, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा लगता है। जो पानी बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडा है। पानी बहुत ठंडा लग रहा है, या वेरी कॉल। कोई बोल रहा है ठंडा है बहुत। अरे वाह वाह वाह, एकदम। अभी थोड़ा सा मैं कैमरा रख के आता हूँ, कैमरा लेके नहा नहीं सकता हूँ गाइस। आगे जितना आगे जाएंगे उतना गहरा है पानी, क्योंकि यहाँ तक आ चुका है। तो अभी जाता हूँ मैं, फिर रख के फिर से आते हैं। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। जस्ट अभी तो बाहर आ गया हूँ मैं। So cold, man. You going? Not. It's too cold. नहाना तो हो गया अंदर में, तो चलते हैं अब नीचे। उधर से तो घूम के आ गए। झरना तो बहुत ज़्यादा सुपर था गाइस। ये एक्चुअली में बरसात का मौसम है, इसी के वजह से वो पानी ना थोड़ा सा मट्टी जैसा लग रहा है दिखने में। मड्डी है। अगर समर के टाइम में आते हैं या फिर विंटर के टाइम में आता है, पानी एकदम ब्लू मिलेगा, बट अभी ब्लू नहीं है। फाइनली हम लोग तो वाटरफॉल विज़िट करके आ गए। बहुत बड़ा वाटरफॉल था गाइस, देखने में तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। अभी जस्ट यहाँ से बाइक लेंगे हम लोग दोनों और निकलेंगे। ये चाइनीज़ सेंट्रल हॉस्ट में हूँ अभी। इस डे में कुछ ऐसा लगता है गाइस, देखने में तो बड़ा मस्त है। तो फॉरनर्स तो बहुत हैं यहाँ पे यार, टूरिस्ट बहुत है गाइस। ये है लॉन्ग पावांग, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा क्लासिक सिटी है, ये फुकेत के जैसा है। चैनल पे आप देखे होंगे शायद, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये टेम्पल है यहाँ का, बहुत प्रिटी लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर टेम्पल है गाइस। मैं अंदर से आपको कल दिखाऊँगा। यहाँ का हाउसेस और घर थोड़ा एकदम पुराने स्टाइल में है सर, एकदम क्लासिक, बहुत मस्त है। और यहाँ ना राइट साइड से चलाना पड़ता है, हम लोग जो इंडिया में चलाते हैं ड्राइव करते हैं लेफ़्ट साइड से चलाते हैं, बट मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, बार बार मैं लेफ़्ट साइड चला जाता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। मैं आपको घूम कर ये एरिया दिखा रहा हूँ कि कैसा है गाइस। ये बगल में ये रिवर है और ये रहा होंडा का बाइक है यार, स्कूटी, इसी से घूम रहा हूँ मैं। क्या मस्त घर है यार, देखो एकदम एकदम क्लासिक है, एकदम बोले तो परफेक्ट है, ऐसा ही है गाइस पूरा ये एरिया। अधिकतर घर यहाँ लगता है लकड़ी का होता है। यहाँ ना नदी के किनारे बहुत सारा बार है जहाँ पर बैठ के आप थोड़ा चिल कर सकते हैं, पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। सामने का ये हाउस देखने में कैसा है, 1939 में बना है ये, वाह बहुत पुराना है यार, तो 100 ईयर्स हो गया है। हाय एवरीवन, ये मेरा 4th डे है लॉन्ग फावांग में और मैं लॉन्ग फावांग नेशनल म्यूज़ियम के सामने खड़ा हूँ। मैं ये अंदर जाने वाला हूँ नेशनल म्यूज़ियम लॉन्ग फावांग का, देखने के लिए, विज़िट करने के लिए कैसा है, क्या है, क्या नहीं है। मे भी यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, पता नहीं कितना का टिकट होगा, चलते हैं देखते हैं गाइस। ये टेंपल तो बहुत खूबसूरत है, मैं ऑलवेज़ बाहर से देखता हूँ, आज मैं फाइनली अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से टिकट लेते हैं गाइस। ये रहा काउंटर गाइस, मैं यहाँ से लिया हूँ, 30,000 किप्स का है, थैंक यू। टेम्पल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल। और ये पीछे एक स्टैचू है, पता नहीं किन का, अंदर फोटोज़ अलाउड नहीं है। टेम्पल तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, कूल लग रहा है देखना। ये साइड भी यही है, अंदर का वीडियो बना नहीं सकता हूँ मैं, सो एक पहले एक चक्कर लगाते हैं। ये जो पॉइंट है पीछे का है, ये मंदिर का पीछे का भाग है। ये सामने डोर है गाइस, बहुत मोटा डोर लग रहा है, लकड़ी का ही डोर है। विज़िट कर लिया हूँ गाइस, अंदर में हाथी का बड़ा बड़ा दांत रखा हुआ है, उसमें बुद्धा का छोटा छोटा स्टैचू बना हुआ है दांत के अंदर ही, देखने में बहुत ज़्यादा ओल्ड दिख रहा है गाइस। ये यहाँ पे सामने ये लाओ का फ्लैग भी लगा हुआ है, चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है। यहाँ भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है गाइस, सो अंदर का तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, चलते हैं ऊपर। अब ये फ्लैग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इसके अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही छोटा है बोल रहा है, शॉर्ट्स नीचे वाला, सो अंदर जाने नहीं दिया, बोल रहा है कि थोड़ा लंबा पहन कर आओ, पता नहीं कहाँ पे जाने को बोला, वहाँ देखते हैं। लंबा पहन कर आना पड़ेगा या फुल, तब अंदर जा सकते हैं। ये राजा का स्टैचू है, सरिसा वांग वांग करके ऐसा कुछ कोई राजा है, इनका स्टैचू है ये गाइस। ये ऐसा दिया है कपड़ा रेंट पे, ये इसका पता 10,000 किप्स का ये गाइस। ये कपड़ा कुछ ऐसा है देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं कांच का बना हुआ है, बहुत गर्म लग रहा है। ये जगह का लॉन्ग पावांग नाम है, इसी के नाम पे सिटी का नाम दिया गया है लॉन्ग पावांग। अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस राजा ये राजा वो राजा दिस राजा दैट राजा इसे पहनता था, राजा उसको ऐसे करता था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, थोड़ा बोरिंग लगा मुझे। मैं वापस करने जा रहा हूँ यार। नदी के किनारे जो रेस्टोरेंट है उसी में बैठा हुआ हूँ मैं। ये रहा रिवर गाइस, यहाँ का ये रिवर ज़्यादा चौड़ा नहीं है मगर बहुत ज़्यादा गहरा है गाइस। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, ओपन है, ओपन रेस्टोरेंट, खुला खुला में बना हुआ है। मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ जहाँ पे एक कोक का कैन रखा हुआ है। फाइनली खाना आ चुका है और खाना देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है और बहुत टेस्टी दिख रहा है। सो मैं आपको खाना दिखाता हूँ कैसा है। लाओ का लोकल फूड है गाइस। ये है चिकन ऑमलेट, राइस प्लस कुछ सैलड्स और ये सूप विद कोक, कोका कोला। सो चलते हैं, खाते हैं। और वहाँ से घूमने के बाद मैं हॉस्टल में चला गया था। अभी मैं नाइट फूड मार्केट में हूँ, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे वांग पवान का नाइट फूड मार्केट। आपको दिखाता हूँ वांग पवान का नाइट फूड मार्केट का कैसा है यहाँ का नाइट फूड मार्केट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अलग अलग प्रकार का स्नैक्स है यहाँ पे, जूसेस हैं, पोर्क मोमो वगैरह है। पोर्क चिकन, बहुत सारे वैरायटी का प्लेट्स हैं यहाँ पे गाइस। चिकन है, रेस्टोरेंट सभी है यहाँ पे। ये गली में पूरा यानी कि स्ट्रीट पे लोग बाहर बैठ के खाते हैं। ये मार्केट उसी के लिए पॉपुलर है गाइस। बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का ये स्नैक्स और फूड है यहाँ पे। फिश है, मछली, चिकन और पता नहीं कौन कौन सा प्रकार का मीट है गाइस। यहाँ पे बहुत सारा स्टॉल है, मतलब बहुत ज़्यादा। वहाँ से स्टार्ट करके एकदम लास्ट तक करीब 70 स्टॉल्स में भी होंगे यहाँ पे, 70 to 80। ये एरिया को स्पेशली नाइट फूड मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये वांग पवान का नाइट फूड मार्केट है गाइस। मुर्गे का टांग पका रहा है वहाँ पे। So, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड कमेंट ऑन माय वीडियो गाइस।